Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back once again to Rabia's Kitchen. आज मैं आपके साथ मेरी नानी माँ की बनाई हुई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है रतालू का हलवा, स्वीट पटेटो हलवा. ये बहुत ही जबरदस्त बनता है फ्रेंड्स, एंड इट्स रियली वेरी हेल्दी, क्योंकि हमने बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें. सो चले अपने किचन में ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. रतालू का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे रतालू, इसे कहते हैं स्वीट पटेटोस. ये बहुत ही देसी वाले होते हैं, बहुत जल्दी गलते हैं. इसे मैंने अच्छे से पील करके अच्छे से उसे काट दिया है और पानी में रख दिया है ताकि वो काला ना पड़े. सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारी जो हलवे के लिए है वो है कोकोनट. मैंने अच्छे से एक वाटी पूरी कोकोनट ग्रेट कर दी है. मैंने यहाँ पे लिया है कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, आप जो भी अपने चॉइस से ले सकते हैं. मावा है तकरीबन एक कटोरी, और यहाँ पर है गुड़ जिससे हम बनाएंगे. वी आर नॉट यूजिंग शुगर एट ऑल. और उसको बहुत ही जबरदस्त खुशबू देने के लिए हम लेंगे इलायची का पाउडर. सबसे पहला हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, से अराउंड 1 टीस्पून. इसमें सारे रतालू अभी हम डाल देंगे, स्वीट पटेटोस, और इसे अच्छे से मिक्स करके अभी इसे हम थोड़ी देर कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई होकर थोड़ा गल जाए. सो फ्रेंड्स, हमने जो स्वीट पटेटो फ्राई करने रखा था वो ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुके हैं, अभी हम इसे निकाल देंगे. और अभी ये निकालने के बाद इसमें थोड़ा और घी ऐड करेंगे, और जो ग्रेटेड कोकोनट है उसकी हम अच्छे से चून बना देंगे उसकी. अब इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट, और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करे तक हमें भूनते रहना है. कोकोनट का कलर जो है वो हल्का थोड़ा चेंज हो गया है, इसे हमें एकदम डार्क कलर नहीं देना है. अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर, जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स है वो भी ऐड कर देंगे. अच्छे से करेंगे स्टर. और अभी जितने रतालू हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे. इसे भी अच्छे से अभी मिक्स करके हमें कवर करके रख देना है ताकि ये सारे स्वीट पटेटोज जो है वो पूरी तरह से कुक हो जाए. उसके बाद हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो ये रतालू बिल्कुल गलेंगे नहीं गुड़ की वजह से. सो अभी हम इसे कवर करके अच्छे से रख देते हैं. सो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है, आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली कुक हो गया है. अब इस टाइम पर, इस पॉइंट पर हम डालेंगे जैगरी, दैट इज गुड़, और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी स्वीट पटेटो. बस अभी ये अच्छे से हम स्टर कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गुड़ जैसे ही पूरा पिघल जाएगा वो अपना पानी भी छोड़ देगा और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा. और हम इसमें अभी मावा भी थोड़ा ऐड करके रख देंगे, और इसे अभी से अराउंड 10 मिनट्स हमें कवर करके रखना है. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी. बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, और ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है. इसे इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करना. ये मेरी नानी माँ की बनाई हुई रेसिपी है जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है. ये आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू @rabiaskitchen10. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.